मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे भी टेस्टिंग की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुई। इसके साथ ही 13 मई तक होने वाले चिंतन शिविर में कृषि नीति के संबंध में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बनी कमेटी में सदस्य बनाने को लेकर कहा कि जो भी जिम्मेदारी हो उसका बेहतर तरीके से निर्वहन किया जाएगा। वहीं कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा 27 अप्रैल को बुलाई गई बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर के बाद की तैयारी का जो सिलसिला है उस हद तक फील्ड में हमारी तैयारी है। आज कल केसेस संख्या भी कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं भी उस व्यवस्था से दुर्भाग्य ही है संतुष्ट नहीं हूं कि टेस्टिंग बहुत कम है। जो टेस्टिंग आप देखेंगे तो ये जहां एक समय 50,000-60,000 टेस्टिंग अपन कर रहे थे, आज के दिन में ये टेस्टिंग 3,000 के आसपास औसतन प्रतिदिन आ गई है। ये बहुत कम है और बढ़ाना चाहिए। मैं भी लगातार विभाग को डेली करीब करीब बोलता हूं कि इसको बढ़ाएं, लेकिन लगता है कि केसेस मिल नहीं रहे हैं तो इसलिए वो टेस्ट क्षेत्र में कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना चाहिए एहतियात के तौर पे। लोगों का रिपोर्ट यही आई है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग कतराते हैं अब टेस्टिंग कराने में, किसी को लक्षण वैसे नहीं दिख रहे। फिर एक डायरेक्टिव ये भी दिया हुआ है कि किसी को भी सर्दी खांसी या बुखार हो, ओपीडी में भी अगर वो आते हैं तो उनको टेस्ट करा देना चाहिए।